कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मौजूदा विधायक पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा जी, क्या माहौल है, वोट कर दिया है आपने? माहौल कांग्रेस पक्ष में है, वोट कर दिया है। बड़ी संख्या में वोटर्स निकल रहे हैं, जबरदस्त तादाद देखने को मिल रही है, क्या लगता है किसके पक्ष में गिरेगा वोट? ये पिछले 18 से ज्यादा परसेंटेज वोट गिरेगा, क्योंकि 18 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस को मत दिया था, खरीद फरोख करके कमलनाथ की सरकार गिरा दिया। तो जनता ज्यादा उठ के आई है कि अब खरीद फरोख की स्थिति बने, इसलिए 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें आएंगी। और मुद्दे ये थे कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं की अत्याचार, इन सब इश्यूज पर महिलाएं ज्यादा आगे निकल गई हैं। और महिला इस महंगाई से भी परेशान थे, इसलिए जो फर्स्ट एड कमलनाथ जी ने 1 जनवरी को देने का है कि 1500 में उनके अकाउंट में 500 गैस सिलेंडर, बिजली फ्री। पीसी शर्मा जी, हिंदुत्व के मुद्दों के लेकर के भी बीजेपी ने बात की, राम मंदिर का मुद्दा अचानक से चुनाव में आ गया, इसका असर देखते हैं कुछ? ये ध्यान बटाने वाली बात है। आप आदमी की रोटी कपड़ा मकान की बात करो ना, आपके रोजगार की बात करो ना, कि डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती कैसे होगी, प्याज 100 रुपए किलो सस्ता, इसकी बात करो। हिंदुत्व सनातन धर्म जब बना तब से है हिंदुत्व, हिंदुत्व कोई नया आ गया क्या? क्या विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान बटाना, लोगों की परेशानियों से ध्यान बटाना और लोगों को बेवकूफ समझना, ये उद्देश्य बीजेपी का रहा है। एक आखिरी सवाल पीसी शर्मा जी, जबरदस्त उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ने की उम्मीद है, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी ला रही है मध्य प्रदेश में? मैंने कहा ना पहले जी, 114 आई थी तो खरीद फरोख कर ली जी, और 114 नहीं 174 से ज्यादा आएगी जिसे कोई खरीद फरोख नहीं कर पाए, और 5 साल कमलनाथ जी की सरकार चले और मध्य प्रदेश की जनता जो प्रताड़ित हुई है वो उनको रिलीफ मिले और विकास हो मध्य प्रदेश का। खरीद फरोख से याद आया, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में छिटपुट हिंसा की घटना सामने आई है, मुरैना से भी ये घटना सामने आई है, क्योंकि जमीन किसकी हुई है, वो ये सब करा के कोई तरीके से सत्ता को हासिल करना ये इनकी कोशिश, लेकिन हो नहीं पाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्या कहेंगे? ये जो चंबल ग्वालियर में बीजेपी का जो सफाया होगा तो बीजेपी इनको क्वारंटाइन कर देगी। तो ये थे हमारे साथ में मौजूदा यहाँ दक्षिण पश्चिम विधानसभा से प्रत्याशी पीसी शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और उन्होंने दक्षिण पश्चिम सीट से अपनी जीत का दावा भी कर दिया। सहयोगी सपना भाटी के साथ मैं अदीप खान, भोपाल दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।